टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 17 का आगाज हो चुका है। बीते दिन प्रीमियर नाइट में शो के होस्ट सलमान खान ने एक एक कर सीजन 17 के कंटेस्टेंट के चेहरे से पर्दा उठा दिया। इसी के साथ दर्शकों को भी पता चल गया कि बिग बॉस 17 में इस बार कौन कौन से सेलिब्रिटीज एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगे। वहीं शो में उड़ारिया फेम स्टार्स ईशा मालविया और अभिषेक कुमार भी पहुंचे। दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों एक्स कपल हैं। चलिए बताते हैं इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और इनका ब्रेकअप क्यों हुआ। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट ईशा मालविया और अभिषेक कुमार कभी रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों की उडारिया के सेट पर दोस्ती हुई थी और धीरे धीरे इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हालांकि कुछ टाइम बाद ही इनका ब्रेकअप हो गया। अभिषेक और ईशा के ब्रेकअप की वजह पजेसिवनेस थी। ईशा ने बिग बॉस की प्रीमियर नाइट पर सलमान खान के सामने इस बात का खुलासा किया कि अभिषेक उनके लिए काफी पजेसिव थे। अगर वो अपने किसी को-स्टार से बात भी कर लेती थी तो अभिषेक को लगता था कि वो उनका बॉयफ्रेंड है। वहीं अभिषेक ने भी माना था कि वो ईशा को लेकर पजेसिव थे। हालांकि अभिषेक ने भी ईशा पर कई आरोप लगाए। इस दौरान ईशा ने अभिषेक पर फिजिकल वायलेंस का भी आरोप लगाया। वहीं अभिषेक ने कहा कि ईशा ने उनके चेहरे पर नाखून मारे और उन्होंने जो किया अपने बचाव में किया। बिग बॉस के मंच पर ईशा ने ये भी कहा कि वो नहीं चाहती कि अभिषेक उनकी लाइफ में दोबारा आए। इस पर अभिषेक ने भी कहा कि वो भी नहीं चाहते। इस एक्स कपल का झगड़ा देखकर सलमान खान भी काफी शॉक्ड हो गए थे। अब देखने वाली बात ये है कि सलमान खान के सामने बिग बॉस के मंच पर एक दूसरे पर भड़ास निकालने वाले एक्स कपल ईशा मालविया और अभिषेक कुमार घर के अंदर एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।